हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हम आईआईटी खड़गपुर की। इससे पहले हम 5 आईआईटीज के बारे में बात कर चुके हैं इस सीरीज में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हो। और आज हम आईआईटी खड़गपुर के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, कैसे उसका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या आपको फी पे करनी पड़ेगी और कैसी प्लेसमेंट्स है इस कॉलेज की, क्या क्या फैसिलिटीज आपको ये कॉलेज देने वाला है, सब हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके कैंपस के बारे में बात करते हैं। तो आईआईटी में सबसे बड़ा कैंपस इसका है, 2100 एकड़ का कैंपस है ये, और इसको आप अपने आप में एक छोटा शहर कंसिडर कर सकते हो। सारी ही चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो सबसे पास रेलवे स्टेशन इसका खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो कि 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। मोड ऑफ एडमिशन की बात करूँ, आपको सबसे पहले जेई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको जेई एडवांस में एक अच्छी रैंक चाहिए होगी यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। कट ऑफ पीछे देख सकते हो, यहाँ की सीएससी की कट ऑफ 279 गई थी जनरल के लिए, वो भी जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी में। बाकी सारी ब्रांचेस की कट ऑफ आप पीछे देख सकते हो, टोटल 15 ब्रांचेस यहाँ पे ऑफर की जाती है। और बात करूँ फी स्ट्रक्चर की, तो आपको सेमेस्टर में 1,13,000 फी पे करनी पड़ेगी और आपकी हॉस्टल फी रहेगी 39,000, जो कि बाकी सारे आईआईटी से थोड़ी ज्यादा है। फी कंसेशन की बात करूँ तो बाकी सारी आईआईटी से सिमिलर ही है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से आप बिलोंग करते हो तो आपकी 100% इंस्टीट्यूशन फी माफ होती है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी फैमिली इनकम 1,00,000 से कम है, आपकी ट्यूशन फी 100% माफ होती है। और अगर आपकी फैमिली इनकम 1,00,000 से 5,00,000 के बीच में है तो आपकी ट्यूशन फी 2/3 माफ होती है। ठीक है, ये हो गई फी कंसेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी हैं। तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ से गया था 2.68 करोड़ का लास्ट ईयर, और एवरेज यहाँ का बीटेक का एवरेज रहा है 24 लाख। सारी ही बड़ी कंपनीज यहाँ पर आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए और इंटर्नशिप के लिए, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अचीवमेंट्स और एल्यूमिना नेटवर्क की बात करूँ तो यहाँ से 1400 से ज्यादा स्टार्टअप्स निकल चुके हैं अभी तक, और यहाँ का एल्यूमिना नेटवर्क काफी बड़ा और काफी मतलब फेमस है। यहाँ से एल्यूमिनाइज निकल चुके हैं, अरविंद केजरीवाल सर हो गए, सुंदर पिचाई सर हो गए जो कि गूगल के सीईओ हैं, जीतू भैया हो गए हमारे फेवरेट ईवीएफ के फाउंडर जो कि अरुणव कुमार सर है, वो भी यहीं से पास आउट है, और गौरव तनेजा जिन्हें हम फ्लाइंग बीच के नाम से जानते हैं वो भी यहीं के पास आउट है यार। और काफी लंबी एल्यूमिनाइज लिस्ट है इसकी। अब बात करते हैं हॉस्टल्स की, तो सारी बेसिक चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बेड हो गया, चेयर हो गया, स्टडी टेबल हो गई। 3 बॉयज हॉस्टल है यहाँ पे, 5 गर्ल्स हॉस्टल है, और हर हॉस्टल में यहाँ पे आपको कॉमन रूम, टीवी रूम और इंडोर स्पोर्ट्स देखने को मिलेगा। एज सच यहाँ पे कोई कर्फ्यू टाइमिंग स्ट्रिक्टली फॉलो की नहीं जाती है, तो आप किसी भी टाइम कैंपस में घूम सकते हो। और मैस के खाने की बात करूं तो काफी अच्छी रेटिंग रही है यहाँ के मैस के खाने की, बाय द वे आप पीछे टाइमिंग देख सकते हो मैस की। अब लाइब्रेरी की बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा बुक्स अवेलेबल है, फुल्ली एयर कंडीशन लाइब्रेरी है, और ये एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी में कंसिडर की जाती है। इसकी टाइमिंग 8 बजे से 12 बजे तक की है, रात को 12 बजे तक लाइब्रेरी ओपन है। लेट नाइट स्टडीज आप यहाँ पे एग्जाम के टाइम पे कर पाओगे। अब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं, तो हर एक तरह का स्पोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्क्वॉश, स्विमिंग पूल, सारी ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। काफी बड़ा कैंपस है तो सब कुछ अवेलेबल यहाँ पे करा रखा है। इसके बाद बात करता हूँ मैं फेस्ट की, तो यहाँ पे स्प्रिंग फेस्ट के नाम से इनका कल्चरल फेस्ट होता है और क्षितिज नाम से इनका टेक फेस्ट होता है, दोनों ही बहुत अच्छे लेवल के फेस्ट होते हैं और इनका आर्टिस्ट का लाइनअप भी काफी अच्छा होता है। एक यूनिक फेस्ट भी होता है इनका इल्यूमिनेशन नाम से, ये दिवाली फेस्ट की तरह कंसिडर किया जाता है, और इस फेस्ट में पूरे कैंपस को काफी अच्छे तरीके से सजाते हैं, तो इन तीनों फेस्ट में आपको काफी एंजॉय करने को मिलेगा। इसके बाद बात करता हूँ सोसाइटीज की, तो आप पीछे लिस्ट देख सकते हो, ये सारी सोसाइटीज यहाँ पे अवेलेबल है, हर एक जोनर की सोसाइटीज हैं यहाँ पे, और जो फेस्ट की सोसाइटीज हैं उनमें भी आप पार्ट ले सकते हो और फेस्ट के ऑर्गेनाइजिंग टीम का हिस्सा बन सकते हो, तो वो भी जरूर से मैं रिकमेंड करूंगा। तो ये सारी चीजें थी आईआईटी खड़गपुर के बारे में, दिस इज ऑल अबाउट आईआईटी खड़गपुर। अगले किस कॉलेज के बारे में आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको आईआईटी खड़गपुर के बारे में कोई डाउट है तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साइनिंग ऑफ।